अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास व्हाइल लूप का टॉपिक है। व्हाइल लूप बेसिकली फॉर लूप की तरह का ही एक लूप होता है, लेकिन इसका यूज़ तब होता है जब हमें यह मालूम ना हो कि हमने कितनी रिपीटेशंस करनी है, कितनी दफ़ा हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को रिपीट करना है। फॉर लूप में तो हम उसे कंडीशंस देते होते थे कि यहाँ से चले और यहाँ तक एंड हो जाए, मतलब हमें मालूम था कि हम कितनी दफ़ा अपने प्रोग्राम की रिपीटेशन कर रहे हैं। लेकिन जब हमें मालूम ना हो हमने कितनी दफ़ा रेपिटेशन करनी है, तो हम वहाँ पे जो लूप यूज़ करते हैं वो होता है या वाइल लूप। वाइल लूप का बेसिकली सिंटेक्स क्या है, वाइल का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, उसके बाद ब्रैकेट्स, यहाँ पे आप कंडीशन यूज़ करते हैं। कंडीशन यूज़ करते हैं और कंडीशन के बाद आपके पास ब्रैकेट्स आ जाते हैं और आप अपने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो कि आपको रिपीट करनी होती है। तो यहाँ पे आप अपने वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो आपको रिपीट करनी होती है। अगेन आपको बताता चुका हूँ, जो आपके पास व्हाइल लूप का सिंटैक्स है, सिंटैक्स है कि आप सबसे पहले व्हाइल का कीवर्ड यूज करेंगे, फिर इन पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर, आपके पास जो है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद आप जो है कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस यूज करेंगे जिसमें आप अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपको बार-बार एग्जीक्यूट करनी है। वो तो इस चीज़ को रन करने के लिए एक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग एक टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं किसी भी नंबर का। तो नंबर बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे एक हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया टेबल के नाम से। तो टेबल हम लोग सपोज 2 का प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने कैसा करना है, कहाँ तक जाना चाहिए 2 का टेबल। सपोज हम लोग चाहते हैं कि 2 का टेबल जो है वो 20 तक जाना चाहिए, तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि लूप कब तक चलता रहे, जब तक ए की जो वैल्यू है वो 20 से ग्रेटर ना हो जाए या 21 के इक्वल ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ए नॉट इक्वल टू 21, जब ए 21 के इक्वल ना हो तब तक ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता रहे। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपना टेबल प्रिंट कराना है, तो टेबल प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट, ओ सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम लोगों ने जो चीज प्रिंट करानी है वो क्या है, हम लोगों ने टेबल प्रिंट कराना है। तो हम लोग बेसिकली टेबल का जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, टेबल जो वेरिएबल बनाया था उसका टेबल बना रहे हैं। तो हम लोगों ने उसको यूज किया 2 × मल्टीप्लाई बाय, और फिर हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है, जो इससे मल्टीप्लाई करना है बस ए के अंदर पड़ा हुआ है, और उसके बाद हम लोग इक्वल का ऑपरेटर और प्लस हम लोग ए को एक्स टेबल को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टेबल स्टैटिक ए। तो अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो ए में इंक्रीमेंट करना ताकि ए की वैल्यू हमारे पास एक एक करके इंक्रीज होती जाए। उसको चेक करते हैं, रन करते हैं, रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये देखिए हमारे पास टेबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो थी 2, तो 2 यहाँ प्रिंट हो गया। बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई के सिंबल के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई का सिंबल इन्वर्टेड कॉमर्स में ऐड किया। ए में जो हमारे पास वैल्यू पड़ी थी, देखिए हमारे पास इंक्रीमेंट होती जा रही है। हमारे पास इक्वल का सिंबल जो हम लोगों ने हार्ड कोड किया था इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो ये रहा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गई। तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, फिर हमारे पास ए के अंदर इंक्रीमेंट होता गया, हम लोगों ने ए में एक एक इंक्रीमेंट करते गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ आप जितनी मर्जी दफ़ा मर्जी आप टेबल प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रिंट करवाना है 150 टाइम्स का, तो मैं 51 करके अब रन करके चेक करता हूँ। देखिए अब मेरे पास ये टेबल जो है वो 30 या 50 तक, 15 × 2 100 आ गया। ये नहीं बल्कि मैं अपने किसी और का भी टेबल प्रिंट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टेबल के लिए 9 का टेबल प्रिंट करवाता हूँ, 9 का टेबल यहाँ पे टेबल 9 रखता हूँ, फिर अब 9 का टेबल प्रिंट करवाता हूँ, तो ये 9 1 9 और ये 9 का कंप्लीट जो है वो टेबल प्रिंट हो गया। तो
है।